हाय दोस्तों, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। हो किसी शाम अगर आपको अपना मन बहलाना तो हमारे इस चैनल पे आ जाना जिसका नाम है टेक रोजाना। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज हम कुछ रिव्यू या फिर गेमिंग तो नहीं है, बट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि आखिर हमने नया लैपटॉप लिया है तो उसमें क्या सेटिंग्स करें जो कि अच्छा होने वाला है। तो वही सब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपने HP पेवेलियन या फिर कोई भी सिस्टम लिया हुआ है जिसमें विंडोज 10 है, तो उसमें आपको बैटरी सेव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ऑफिशियल भी रिकमेंडेड यही है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट में जाकर सर्च बार खोलना है और इसमें आपको टाइप करना है चूज अ पावर प्लान। चूज अ पावर प्लान यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम HP का है इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है HP रिकमेंडेड। और यहाँ पर एक और आपके लिए ऑप्शन आएगा, वो रहेगा हाईली हाई परफॉर्मेंस। अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो आपका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा हद तक गिर जाता है। वो आपको 1 घंटा लास्ट देगा या फिर 40 मिनट बैकअप दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। मैंने ये 2 दिन पहले ही सेटिंग चेक की, मैंने एकदम प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। वो जब 45 मिनट के लगभग मुझे बैकअप दे रहा था हाई परफॉर्मेंस वाला। और ये जो मैंने HP रिकमेंडेड डाउन जब से लगाया है, मैं अच्छा खासा 2 से 3 घंटे तक का बैकअप ले सकता हूँ आराम से। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं चेंज प्लान सेटिंग पर क्लिक करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब मैंने सेटिंग किया है, डिफ़ॉल्ट कुछ दूसरा था। तो आपका जो मन हुआ आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज एडवांस पावर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं USB सेटिंग स्लिप हर चीज़ की आपको दी गई है। और हाँ, सेव करने के बाद यहाँ पर सेव चेंज पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सेव चेंज पे क्लिक करना भूल जाते हैं तो आपका सेटिंग सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन इस साइड पे यहाँ पर आएगा जो कि मुझे नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने HP रिकमेंडेड सेट कर लिया है इसलिए मुझे नहीं शो कर रहा, आप लोगों को शो करेगा। तो ये था हमारा बैटरी बैकअप के लिए। और अगला जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए, जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। सबसे पहले हम यहाँ पर NVIDIA कंट्रोल पैनल खोलते हैं। यहाँ पर ये हमारा खुल रहा है NVIDIA का कंट्रोल पैनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्रोल पैनल खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा वो आएगा यहाँ पर, सेट फिक्स एक्स कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप कुछ छेड़खानी ना करें, एडजस्ट इमेज एंड सेटिंग विथ प्रीव्यू यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको कुछ एडिट करना है यहाँ पर तो। और मैंने तो खैर यहाँ पर कुछ छेड़खानी की नहीं, लेट द 3D एप्लीकेशन डिसाइड। यहाँ पर आप यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, जो कि एप्लीकेशन खुद डिसाइड करेगा कि कब उसे 3D इफेक्ट चाहिए ग्राफिक्स के द्वारा और कब नहीं चाहिए। मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगा इसलिए मैंने यही किया, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो और भी ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मैनेज 3D सेटिंग्स। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो जो रिकमेंडेड था और जो आया हुआ था ऑलरेडी करके, मुझे सबसे बेस्ट लगा। मैंने ये सब चेंज करके भी देखा हुआ है। तो इसमें चेंज करने आपको ये घाटा होगा कि कोई गेम जो है वो चल नहीं रहा है, मेरा गेम्स में बहुत सारे फंसने लग रहे हैं और ये मैंने री स्टोर वापस कर दिया रिकमेंडेड पे, तो मेरा गेम्स बहुत अच्छे चल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें NVIDIA में आप एक बार मेरी सेटिंग को देख लें दोबारा। यहाँ पर ये GPU सेटिंग है, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन हैं बट मैंने GPU लगा कर रखा है, आप भी रख सकते हैं। और एडजस्ट इमेज में यहाँ पर लेट द 3D एप्लीकेशन डिसाइड, मैनेज 3D सेटिंग में आपको ये देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना, मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो ये था हमारा कुछ इंटरनल सेटिंग। अब हम चलते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो इंटरनेट की दुनिया में हम सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप न्यू यूज़र हैं और नहीं जानते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करें, तो सबसे पहले हम खोलते हैं गूगल क्रोम और यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए वेबसाइट है।
यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारा मैनी मैनी मतलब बहुत सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मिलता है, ढेर सारा सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ, गेम्स तो नहीं मिलेंगी, मैं इस पे सर्च कर रहा था गेम्स वगैरह है कि नहीं, बट गेम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेम्स में सर्च करूँगा तो यहाँ पर गेम्स आ रही है, बट मैं गेम्स के लिए आपको इससे एक बेटर साइट बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसे गेम्स वाले साइट में नहीं सेट किया हुआ है, बहुत कम गेम्स हैं यहाँ पर। मैं आपको वो साइट बताऊंगा जो यहाँ पर बहुत सारे आपको गेम्स, स्पेशल वो गेम्स के लिए साइट है, ये सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे हम सर्च करते हैं कोई सॉफ्टवेयर छोटा सा, मान लेते हैं एफल स्टूडियो ही सर्च करते हैं, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं गो पर, तब देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे सॉफ्टवेयर सारे फ्री, यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है कि ये पेड होगा, बिल्कुल इसमें एक भी सॉफ्टवेयर पेड नहीं है, सारे आपको फ्री मिलते हैं। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर वाला वेबसाइट। अब हम चलते हैं गेम्स की तरफ, तो गेम्स के लिए हम सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है वो खोलेंगे, ओशियन ऑफ गेम्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ओशियन ऑफ गेम्स, ये मतलब क्या बताऊँ, एक नंबर साइट है गेम्स के लिए, बहुत ही मस्त साइट है, यहाँ पर आप कोई भी गेम ढूंढ लो। इन्वर्जन पे चलते हैं, इन्वर्जन तो मिल ही जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्जन मिल गया, आप एनएफएस के लेटेस्ट गेम्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, मोस्ट वांटेड से लेके पे बैक तक, एनएफएस 2, राइवल्स, द रन, यहाँ पर मैं आपको जीटीए सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको जीटीए सर्च करता हूँ, जीटीए में आप देख सकते हो GTA 5 भी अवेलेबल है, 4312 लंडन वाइस सिटी सैन एंड्रियास GTA 5, हर एक गेम यहाँ पर अवेलेबल है जो लेटेस्ट निकला हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट आने वाला है, आ चुका है, सॉरी कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट आ चुका है, जितने लेटेस्ट गेम्स होते हैं वो सारे यहाँ पर तुरंत से तुरंत आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस मैं यही बताने के लिए आप लोगों को बनाया था कि अगर आप न्यू सिस्टम यूज़र हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए, बैटरी के लिए क्या करना चाहिए, ग्राफिक्स के लिए क्या करना चाहिए, और कौन सा वेबसाइट आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब अलविदा कहने का टाइम आ गया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बिल्कुल ना घबराएं, अगर पसंद नहीं आया तो लाइक ना करें उसमें भी बिल्कुल ना घबराएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।